How to remove unwanted ads, pop-up and malware. This is I am going to tell you about it. So let us start. How to remove unwanted ads, pop-up and malware. If you are seeing some of this problem with Chrome, you might have unwanted software or malware installed on your computer. अगर आप में एड्स आ रहा है, पॉपअप आ रहा है, तो आपके कंप्यूटर में कोई मालवेयर हो सकता है इंस्टॉल हो गया हो। पॉपअप एड्स एंड न्यू टैब्स दैट डोंट गो अवे। योर क्रोम होम पेज और सर्च इंजन कीप चेंजिंग विदाउट योर परमिशन। और आपका क्रोम होम पेज जो होता है वो विदाउट आपके परमिशन के चेंज हो जाता है। अनवांटेड क्रोम एक्सटेंशन और टूल बार कीप कमिंग बैक। और आपने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है टूल बार में वो अनवांटेडली आता है, आपके चाहते ना चाहते हुए भी आ जाता है। योर ब्राउजिंग इज हाईजैक्ड एंड रीडायरेक्ट टू अनफेमिलियर पेज और एप्स। और आपकी ब्राउजिंग जो होती है वो हाईजैक हो चुकी होती है, जो कि दूसरे अनफेमिलियर पेज पे आपके आपको रीडायरेक्ट कर देती है और एड्स दिखाती है। ऑल्टर अबाउट अ वायरस और एन इन्फेक्टेड डिवाइस। और डिवाइस जो इन्फेक्टेड है वो आपकी ऑल्टर हो जाती है। इन द फ्यूचर अवॉइड अनवांटेड सॉफ्टवेयर बाय ओनली डाउनलोडिंग फाइल्स और विजिटिंग साइट्स दैट यू नो आर सिक्योर। इसके लिए जरूरी है कि आप अपना सॉफ्टवेयर वहीं से डाउनलोड कीजिए जो सिक्योर साइट हो। सो रिमूव अनवांटेड programs from Windows or Mac, whatever you are using. Before you reset your browser setting on Windows or Mac, check your computer for unwanted program. Reset करने से पहले उसके unwanted program को आप देखिए. Remove malware from your computer. अपने computer से malware को remove करिए. Chrome can help you find suspicious or unwanted program on your computer. If the Chrome find on unwanted program, click and remove. Chrome will remove the software, change some setting to default and turn off extension. Chrome इसमें आपकी help करेगा कि आपको बताएगा कि कौन सा malware program install है, तो आप इसको remove कर सकते हैं और default setting set कर सकते हैं और वो एक्सटेंशन जो आप को प्रॉब्लम कर रहा है उसको ऑफ कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चेक फॉर मालवेयर। यू कैन ऑल्सो चेक फॉर मालवेयर मैनुअली। ओपन क्रोम एट द टॉप राइट कॉर्नर, क्लिक ऑन थ्री डॉट्स, देन सेटिंग, देन एट द बॉटम क्लिक एडवांस, अंडर रीसेट एंड क्लीन अप click clean up computer and click find. If you are asked to remove unwanted software, click remove. You may be asked to reboot your computer. तो बहुत simple है, three dot पे जाइए, setting पे जाइए, advanced पे जाइए और reset और clean up को के अंदर clean up computer को click करिए और find करिए जो unwanted software है उनको remove कर लीजिए। You may ask to reboot, तब वो आपको reboot करने को कहेगा। Manually remove malicious program from Windows or Mac. You can remove malware and other program on your computer that you don't remember installing. अब आप भूल गए कि कौन सा program आपने install किया था और वो आपके पहचान में नहीं है, तो उसको आप हटा सकते हैं। Open Finder on the left click application, look for any program you don't recognize. Right click the name of any unwanted programs, click move to trash. When you are done, at the bottom right click trash, click empty trash. तो सीधे उसको delete कर दीजिए और trash में move कर दीजिए और trash को empty कर दीजिए. Restore quarantine file. जो file antivirus में आपकी quarantine कर दी जाती है उसको आप रेस्टोर कर सकते हैं विंडो में। क्रोम कैन हेल्प यू टू फाइंड अ सस्पिशियस और अनवांटेड प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर। इफ क्रोम फाइंड्स एन अनवांटेड प्रोग्राम, क्रोम विल रिमूव द सॉफ्टवेयर
change some setting to default and turn off the extension. तो Chrome जो है आपकी help करेगा और आपके program को जो unwanted उनको हटा देगा. If you think Chrome remove a file that's safe or personal by mistake, you can restore the file. लेकिन अगर गलती से कोई आपकी personal file मिस्टेक से डिलीट हो जाती है तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं. ऑन योर कंप्यूटर ओपन द फोल्डर परसेंट यूजर फाइल / एप डेटा / लोकल / गूगल / क्रोम क्लीन टूल एंड क्वारंटाइन. दिस विल वर्क. ओपन द फोल्डर क्वारंटाइन, क्लिक कंटिन्यू. Right click the file you want to restore and click extract all. अब आप right click करिए, quarantine पे जाइए, continue करिए और file को restore कर लीजिए. Enter the password Chrome cleanup. अब ये जो tool आप use कर रहे हैं उसका password होगा, वो मांगेगा तो आप वहां पे उसको दे दीजिएगा. To learn more about what data is collected, how it's used, check the Google Chrome privacy wallpaper. और अगर और अधिक आपको जानना है तो Google Chrome के privacy wallpaper को जाकर पढ़िए. Reset your browser setting. और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो browser setting को reset कर दीजिए. On your computer, open Chrome at the top right corner, more three dot setting. At the bottom, click Advanced, Chromebook, Linux, Mac, under Resettings. Click Restore Setting to their original default and Reset Setting. Window under Reset and Cleanup, click Resetting or Reset Setting. अब ये क्या करेगा, आपके विंडो क्रोम की सेटिंग को रीसेट कर देगा. If you remove unwanted program or reset your browser setting, you might need to turn some extension back on. To turn extension on, at the right top right corner, more three dots, more tool extension, only turn on extension you trust. अब three dots पे क्लिक करिएगा तो extension में जाइएगा, तो जो extension आपको on करना है उसको on कर लीजिए तो वो फिर से वापस आ जाएगा. If the step above don't work, then go to Chrome help forum. और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो हेल्प फोरम पे चले जाइए, वो आपकी हेल्प करेगा. मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मालवेयर. अब मालवेयर है कि नहीं है कैसे जानेंगे, हाउ टू स्पॉट मालवेयर, उसके लिए गूगल पे जाइएगा तो आपको वीडियो मिलेगा जो आपको दिखाएगा कि कैसे मालवेयर को देखिए. लेकिन हम आपको तीन पॉइंट्स बता रहे हैं. स्ट्रेंज एड एंड पॉपअप, ऐसे ऐड आ रहे हैं पॉपअप में जो आपको पता भी नहीं है. अनवांटेड चेंजेस टू ब्राउजर, ब्राउजर में ऐसे चेंज होंगे जो आपको नहीं चाहते हैं. और कंप्यूटर की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, चलेगा ही नहीं. लर्न व्हाट टू लुक फॉर व्हेन यू हैव मालवेयर ऑन कंप्यूटर एंड हाउ टू स्टे सेफ ऑनलाइन. अब आपको इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मालवेयर को जानिए और सेफ रहिए ऑनलाइन कंप्यूटर में. टू हाउ टू अवॉइड मालवेयर इन फ्यूचर, वॉच आउट फॉर थिंग्स दैट लुक टू गुड टू बी ट्रू. विनिंग अ कॉन्टेस्ट और गेटिंग एक्सपेंसिव कॉपीराइटेड कंटेंट फॉर फ्री इन सम टाइम अ ट्रिक टू गेट योर डाउनलोड मालवेयर. अब ज़्यादातर फ्री वाले क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर में मालवेयर को डाउनलोड कर देते हैं. तो कॉपीराइट वाले अच्छे सॉफ्टवेयर लीजिए. इफ यू हैवेंट रिसेंटली रन अ वायरस स्कैनर, बी वेरी ऑफ वार्निंग अबाउट वायरसेस और इन्फेक्टेड डिवाइस. द साइट माइट बी ट्राइंग टू स्केयर यू इनटू डाउनलोडिंग अनवांटेड सॉफ्टवेयर. और अगर आपके पास वायरस स्कैनर नहीं है तो साइट आपको डराती रहेगी कि अब ये वायरस आ रहा, वो वायरस आ रहा है. ओनली डाउनलोड फाइल और विजिट साइट दैट यू नो आर सिक्योर एंड लर्न मोर अबाउट हेल्दी ब्राउजिंग. तो आप हमेशा वहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए जो ट्रस्टवर्दी हो और अवॉइड करिए अनवांटेड साइट पे जाने की और हेल्दी ब्राउजिंग करिए. इफ पॉपअप अबाउट अपडेटिंग और डाउनलोडिंग अ प्रोग्राम लुक्स सस्पिशियस, डोंट क्लिक ऑन इट
instead go to the program official website to download it. हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट है उस पर जा करके अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए. कुछ पेमेंट करना पड़े वो ठीक है, लेकिन फ्री साइट पे जाने से आपके मालवेयर आ जाता है. और अपने सिस्टम में एक एंटीवायरस जरूर रखिए. सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज ऑल टुडे. इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल रतन अग्रवाल एंड फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक गिवन इन अ description. Thank you.